चुपचाप गाड़ी में बैठो, बैठो, जल्दी बैठो, मुझे जाने दो, चलो बैठो, नहीं, चलो, चलो जल्दी, चलो अंदर। इन दहाड़े रोड पर मन्नू पांडे पर हाथ उठाने वाला कौन है भाई? सच बोलूं तो वो शहर का होगा ही नहीं। ये उसी के आदमी है, ये हमें मार डालेंगे। ए, गाड़ी निकाल। कहाँ जाना है? मुझे नहीं पता। ए, चला, होटल।
मुझे बचाने के लिए आप अपनी जान दांव पर मत लगाइए, बहुत खतरनाक लोग हैं, ये हमें मार डालेंगे। मेरी किस्मत में शायद यही है। आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। जान जाने के डर से किसी को बीच में छोड़ने वाला इंसान नहीं हूं मैं जो भी काम करता हूं उसे पूरा करता हूं। मैं ही जीतूंगा, हर हाल में मैं ही जीतूंगा। यहां कबड्डी खेलने आया था मैं, अब खेल का ग्राउंड वहां नहीं, यहां है। आंच गुंज। अरे ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? आजो बच के हाथ से नहीं जाना चाहिए।
कौन है रे तू? हाँ गलत है गलत है गलत है गलत है। ए, तू मेरे से 10 करोड़ ले जा, मैं फिर से कमा लूंगा। ए, 10 किलो सोना ले ले वो भी चलेगा, लेकिन वो मेरी लाइफ है, तू उससे कैसे लेकर जा सकता है? हाँ धनलक्ष्मी मेरी जान है। ए, अरे ये मेरी होने वाली वाइफ है रे डार्लिंग। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। धनलक्ष्मी मेरी भगवान है रे, और मैं इसको मंदिर में ले जाने वाला रथ हूँ, और तू रथ में रखी मूर्ति को चोरी करके ले जा रहा है। गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है। इस शहर में गलती से एक लड़का मुझसे टकरा गया था, और मैंने उसका हाथ कटवाकर उससे भीख मंगवाने लगा, और तूने मीनाक्षी मंदिर के सामने सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तू कौन है रे? ए, तू मन्नू पांडे को नहीं जानता है रे? ए, इसके इतने टुकड़े कर डालो कि कोई गिन भी ना सके। पीछे हटो, कोई आगे नहीं आएगा। ए, मेरी बात सुनो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। तू कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तेरी जान है मुझे पता चल गया है। जितनी तेरी जान तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी मेरी जान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसकी गर्दन अरे उससे दर्द हो रहा होगा, उसकी गर्दन से चाकू हटाना, उसका एक बूंद खून भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, लेकिन तू छोड़ दे। अरे छोड़ दे मेरे भाई, छोड़ दे उसे। यहाँ आ रहे। अरे जल्दी आना, मुंह क्या देख रहा है? धोती निकाल, जल्दी निकाल। अरे निकाल ना, जल्दी निकाल। नीचे बिछा। अब बिछ गया, अब तो छोड़ दो। सारे हथियार इसमें डालने को बोल, जल्दी बोल। सब डाल, जल्दी डाल, अब जल्दी कर। हाँ, जल्दी डाल। अब पीछे हटो। देखो अब तो सारे हथियार यहाँ डाल दिया, अब तो उसे छोड़ दो। इसको बांध, मैंने बोला ना बांध। लेकिन क्यों? रुको, मैं खुद से बांधता हूँ। बांध रहा हूँ, जल्दी बांध रहा हूँ भाई, बांध दिया, अब तो छोड़ दो। ये सारे हथियार उस जिप्सी में डाल। जिप्सी में? ए सुन क्या रहा, जल्दी डालना। अरे सुना नहीं सर ने क्या कहा? अरे जल्दी कर, चल जल्दी ले जा। ले गया, अब तो उसे छोड़ दो। जिप्सी को छोड़कर सारी गाड़ियों की हवा निकाल दे। हवा निकाल दे। ए जल्दी कर, जल्दी हवा निकाल। देखो अब तो सारी गाड़ियों के हवा निकल गए, अब तो इसे छोड़ दो। अरे ए धनलक्ष्मी सुनो, जिप्सी में बैठो, जल्दी जाओ। अरे लेकिन देखो धनलक्ष्मी, ए मेरी बात सुनो। ए अरे ए धनलक्ष्मी, अरे बेटा मनु पांडे क्यों इस तरह से बैठा हुआ है? क्या हुआ बेटा? बोलना। अरे वो कौन था जिसने मेरे बेटे पे हाथ उठाने की हिम्मत की? कौन था पता नहीं साहब, भाई को मार के लड़की को साथ ले गया। सारा राज्य मेरे पीछे चलता है और कोई मेरे बेटे को मार के चला गया। आखिर तुम लोग क्या कर रहे थे? सबके हथियार जब्त कर लिए थे। शर्म नहीं आ रही? वो किस तरफ गया है? बाईपास रोड से गया। ट्रैफिक कांस्टेबल से लेकर ACDC सबको उसका ढूंढने में लगा दो। हर जगह की चेक पोस्ट को अलर्ट रहने को कह दो। सर मैं राजा पांडे का पीए बोल रहा हूँ। किसी भी हाल में अपनी स्टेट का बॉर्डर पार नहीं करना चाहिए। अरे एक यार इधर, अरे सारी गाड़ियों को रोक रखा है। चलो डिक्की खोलो, चलो चल आगे बढ़। पुलिस वाले हमेशा जाना नहीं चाहिए, कोई भी हो। चल
जल्दी क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? एक्सीडेंट नहीं भाई, वो मन्नू पांडे है ना, उससे शादी करने वाली लड़की को कोई भगा ले गया, इसीलिए सुबह से जबरदस्त चेकिंग लगा रखी है। गेट बंद रखो। क्या कर रहे जब तक सब चेकिंग ना हो जाए किसी को जाने मत देना। चेक करो सब गाड़ी चेक करो। अरे ये तो सिगरेट पी रहा है सर, इस पर मुझे शक है। अरे दिवाकर इसके चलने की स्टाइल ही अलग है। अरेस्ट कीजिए मुझे, अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए मुझे। अरेस्ट कर लीजिए सर, अरेस्ट कर लीजिए। चुप कर दो। मैं आपको बोल रहा हूँ अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए तो कीजिए ना। मेरे भाई को कोई मारकर भाग गया और मैं यहाँ पर चेक पोस्ट भी पार नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे थोड़े होता है। वो बात नहीं है, मेरी गाड़ी क्यों रोक रहे हैं आप? गाड़ी का नंबर हाँ वही देख रहा था। हाँ यही है TN5900। भाई की लूना से लेकर के जिप्सी तक यही नंबर तो है। जिप्सी की चारों गाड़ी में भाई का एक ही नंबर तो है, फिर भी आप गाड़ी चेक करेंगे? जाइए चेक कीजिए, जाइए जाइए चेक कर लीजिए सर, चेक कर लीजिए। इधर से बात करता है फिर उधर। स्टेशन कौन सा है आपका, नाम क्या है आपका? एक अकल है। एक अकल है, नाम मैं पर भेजे में नहीं है। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर वो नहीं पकड़ा गया तो तुम लोग की वर्दी उतार दी जाएगी। वो कोई भी चेक पोस्ट किसी कीमत पर पार नहीं करना चाहिए, समझ गए तुम लोग? चेक पोस्ट खोलो, चलो खोलो चेक पोस्ट। सर खोलो खोलो। इसने तो दिमाग खराब कर दिया एकदम। क्या आदमी है, इधर से बात कर। अकल को लाइन पर जल्दी बुलाओ, मिनिस्टर साहब बात करना चाहते हैं। सर अब तक सर मैं एक अकल बोल रहा हूं। बाईपास रोड पे तैनात एसआई एक अकल लाइन पर है। क्यों रे, वो मिला? नहीं अभी तक नहीं मिला, हम बराबर चेक कर रहे हैं। ध्यान रखो गाड़ी का नंबर वगैरह पता है ना? सर सारी गाड़ियों के नंबर एक ही हैं। कुछ और पहचान हो तो बताइए, उसने ड्रेस कैसी पहनी है? ए, उसने ड्रेस किस कलर की पहन रखी है? डार्क ब्लू टी शर्ट और मिलिट्री कलर की पैंट। हेलो, डार्क ब्लू टी शर्ट और मिलिट्री कलर पैंट। क्या वैसा कपड़ा पहना वो ही है? सर वो तो आपका आदमी बोलकर भाग रहा है। सर क्या भाग रहा है, वो उस गाड़ी में लड़की भी है ना? नहीं सर लड़की तो नहीं है। ठीक से देख सर। हाँ सर उसमें लड़की छुपी है सर, लेकिन वो भाग गया सर। भाग गए? उसने हम सबको बेवकूफ बना दिया। सर एक आइडिया है सर। कैसा आइडिया? सर अगर ये भाग कर कर्नाटक की बॉर्डर की तरफ गया तो कावेरी को हाथ मिलेकर हमारे लिए तमिलनाडु से यहाँ पर आएगा सर, क्योंकि वो किंग है सर। मन्नू पांडे तुम चिंता मत करो, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे, अभी चलो। उससे मार कर धन लक्ष्मी से शादी करने के बाद ही यहाँ की मिट्टी पर मन्नू पांडे कदम रखेगा। निकाल रे गाड़ी।